आदाब, नमस्कार। मैं हूँ आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम का तबस्सुम टॉकीज। अरे 25 का बांका जवान हो गया है, मगर बुद्धू का बुद्धू ही है। अरे इस उम्र में तो मन में मस्ती होती है, दिल में एक तरंग होती है और सीने में अरमान होते हैं। तुझे कुछ नहीं होता? होता है ना। अरे बस भैया ने भी यही कहा था, मगर साथ में ये भी कहा था कि आदमी बहुत अच्छा है। लेकिन सुमी मुझे तो डर लग रहा है। अरे मुझे धमकी दे गया है कि पुस्तक खरीद कर मुझसे आकर पढ़ेगा। अब तुम ही बताओ ये टीओ टू डीओ डू जीओ वो क्यों नहीं, इसका मतलब मैं क्या करूं? सूरत है बंदर की फिर भी लगती है अलबेली, सूरत है बंदर की फिर भी लगती है अलबेली, कैसा राजा भोज बना है मेरा गंगू तेली। या गंगू तेली। हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के पहले दौर के सबसे ज्यादा मशहूर कॉमेडियन थे ओम प्रकाश जी। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने उनके साथ भी काम किया था बचपन में कई फिल्मों में, खास तौर पे बहार में और लखपति में। वो दो चीज़ों से, दो शब्दों से बहुत ज़्यादा इरिटेट होते थे। कौन से थे वो दो शब्द, आप खुद ही देख लीजिए। मिलिए उस कलाकार से जो उजाला है वो भी ऊपर वाले का, यानी ओम प्रकाश। हाँ तो अंकल। तो बस तुम यहीं ठहर दो जरा। क्यों? अंकल के बारे में बात करता हूँ। अब मुझे ये लफ्ज़ जो अंकल है ना, कुछ थोड़ा थोड़ा खलने लग गया। क्यों? क्या हुआ, जब मैं नया नया बॉम्बे आया ना पार्टीशन के बाद, तो काम मिला, काम शुरू हुआ तो जितनी हीरोइनें थीं वो मुझे ओम भैया कहती थी। नरगिस जी, सुरैया, उस जमाने की जितनी भी पॉपुलर थीं वो सब आए ओम भैया ओम भैया ओम भैया। तो मुझे ऐसा फील होने लग गया कि मैं एक्टर नहीं हूँ, दूध बेचने वाला भैया हूँ। खैर वो भी दौर गया, तो उसके बाद एक नया दौर आया, फिर जो लड़कियाँ आई वो ओम अंकल कहने लग गई। जिधर जाऊँ ओम अंकल ओम अंकल। चलो मैं कहा ठीक है, मगर उसमें एक फायदा होता है, जो आती थी लिपट जाती थी। अच्छा, अंकल बोल के, अंकल बोल के लिपट जाती। अंकल पहले तो अंकल बोल के हमने अपॉर्चुनिटी छोड़ दी थी, गले नहीं लगे थे, लेकिन अब जरूर गले लगे। जी थैंक यू। तो देखा आपने, भैया और अंकल ये थे वो दो शब्द जिनसे ओम प्रकाश अंकल बहुत ज़्यादा चिढ़ते थे। फिल्मों में तो ज़बरदस्त कॉमेडी करते थे, लेकिन ज़ाती ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सोबर और संजीदा थे। शेर व शायरी का बहुत ज़्यादा शौक था। उन्होंने मुझे एक शेर सुनाया था जो आज तक मुझे याद है, आप भी सुनिए। उजाले तीरगी की कैद में हैं, तीरगी यानी अंधेरा, उजाले तीरगी की कैद में हैं, झूठ की मुट्ठी में हैं सच्चाइयाँ, दो मोहब्बत करने वाले मर गए, जी रही हैं आज भी रुस्वाइयाँ। बस ऐसी ही बातें मैं आपको बताती रहूँगी। आप देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज़ और करते रहिए सब्सक्राइब।